मॉर्निंग फ्रेंड्स की यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपका दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों इस वीडियो में मैं ITI और CITS में ग्रेस मार्क्स कितना मिलता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आपने अगर मेरा फेसबुक ग्रुप्स स्किल ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको ITI रिलेटेड सारे सवालों की जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। तो नम होता क्या है, तो नम ITI और CITS में बहुत बच्चे फेल कर जाते थे और उसके लिए पहले कुछ ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था था। मैंने कि तो आपका जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड था उसको 2 ग्रेस मार्क्स मिलता था और इंजीनियरिंग ट्रेड को 7 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलता था। बट 2018 के बाद एक नया नियम लागू हुआ है, मैंने तो जिसमें ITI और CITS को 6 मार्क्स तक गेस मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और 2018 के बाद CITS में आपको हर सब्जेक्ट में 6 नंबर का गेस मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पास करने का जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि आपका जो गेस मार्क्स है, अगर आप गेस मार्क्स से पास होते हो तो क्या आपका सर्टिफिकेट में उसका इंडिकेशन रहेगा। तो पहले DGT क्या करता था, CITS में आपका जो ग्रेस मार्क्स है, जो बच्चे ग्रेस मार्क्स से पास हुआ है उसका मार्कशीट के जी लिखा रहता, तो इससे पता चल जाता कि वो ग्रेस मार्क्स से पास हुए हैं। तो ठीक है, इससे जब वो कंपनी में जॉब करने के लिए जाता था तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम होता था और कंपनी वालों को पता लग जाता था कि वो बच्चे ग्रेस मार्क्स से पास हुआ है। तो DGT ने आपका इस प्रॉब्लम को देखते हुए तो ना इस बार का जो सर्टिफिकेट है, आप अगर ग्रेस मार्क्स से पास होते हो तो आपका सर्टिफिकेट में जी इंडिकेट नहीं रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। फेल तो नहीं करना चाहते हैं, तो किसी भी वजह से अगर आपको एग्ज़ाम्स थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और आप ग्रेस मार्क्स से पास हो सकते हो और वो ग्रेस मार्क्स का इंडिकेशन भी आपका सर्टिफिकेट में नहीं रहेगा। तो ये आपके लिए बेहद अच्छा जानकारी है कि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे इस बार CITS एग्ज़ाम में बैठे हो वो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो कि सबको इस जानकारी की पता लगे। और आपको अगर कोई भी तरह का ITI और CITS रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल का नीचे, इस वीडियो का नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं उस कमेंट की जवाब देने की कोशिश करूँगा और आपका कमेंट से लगे कि उसके ऊपर कोई वीडियो बना देना चाहिए तो मैं भी ये कोशिश करूँगा कि वीडियो मैंने बना दे आपके लिए, ठीक है। और मेरा जो फेसबुक ग्रुप्स है स्किल ट्रेनिंग का, ठीक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो का नीचे डालने की कोशिश करूँगा और आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और उसका रिलेटेड मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे कोई नई जानकारी और कोई नई अपडेट्स लेके, कोई जॉब की अपडेट्स हो या आपका करियर रिलेटेड कोई बात हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।